आज हम यहाँ जिंदगी ट्रस्ट के फातिमा जना गवर्नमेंट स्कूल में हैं, जहाँ पर 2500 बच्चियों ने खड़े होकर लिखा है कि वी स्टैंड विद कश्मीर। इन बच्चियों की आवाज़ मैं समझता हूँ सारी दुनिया तक जानी चाहिए, और जो आज सारे पाकिस्तान में लोग सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं कश्मीरियों के साथ। मैं जब अंदर आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि ये बच्चियाँ धूप में खड़ी हैं तो थोड़ी देर के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि इनको कहीं बैठ जाए। तो एक बच्ची ने कहा नहीं, हमें तो फिर भी स्कूल आने मिल रहा है, कश्मीर में बच्चों को हॉस्पिटल जाने नहीं मिल रहा। यह एहसास इन बच्चियों के अंदर भी है। मैं समझता हूँ कि इन बच्चियों की आवाज़ और आज पाकिस्तान के तमाम बच्चों की आवाज़ और लोगों की आवाज़ दुनिया के तमाम लीडर्स सुनेंगे। मैं खुद यूएन एम्बेसडर हूँ, मैं यूनाइटेड नेशन को अपील करता हूँ, तमाम मीडिया जो इंटरनेशनल है जो कि बहुत फेवर कर रहा है इस इशू को कि कम से कम कश्मीर में कर्फ्यू ख़त्म होना चाहिए, ताकि वो हॉस्पिटल जा सकें, स्कूल जा सकें और रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद सकें। लाइफ सेविंग ड्रग्स उनके पास ख़त्म हो रही है, लोग मर रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है और कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई फ्रीडम नहीं है वहाँ पर, बोलने की कोई आज़ादी नहीं है। हम सब दुआ करते हैं आज मिलकर यहाँ इस स्कूल के अंदर, आज पाकिस्तान में, कि हम सब की आवाज़, इन बच्चों की आवाज़ तमाम वर्ल्ड लीडर्स तक पहुँचेगी और कश्मीरियों को पहुँचेगी।